हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो भाई कल तो पूरा दिन ना व्लॉगिंग की ना कुछ किया, पूरा दिन फीवर रहा। और फीवर भी हुआ तो ऐसा पूरी बॉडी में इतना पेन है अभी तक, आवाज़ भी कमज़ोर होगी, नहीं तो एकदम कड़क आवाज़ थी। आई थी अपनी मदर को देखने के लिए, यहाँ मेरी हालत ख़राब होगी। फीवर ऐसा मुझे पहली बार हुआ। सब बोलते थे कि जोड़ों में दर्द है, घुटनों से चले जाता, कोहनियों में। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा, मतलब ये उंगलियाँ भी ऐसी उठाने बड़ी मुश्किल हो रही है ऐसे करना। तो अभी जो है मैं और मम्मी धूप में आके लेटे थे, क्योंकि भाई नीचे तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती, बरामदे में किचन के पास में थोड़ी बहुत आवे, और यहाँ पे ठीक सा लग रहा अभी आके। तो थोड़े से कपड़े धुले थे वंदना ने, अभी इनको तार पे मैंने सुखा दिया। और अर्निका काफ़ी देर से उसे परेशान कर रही थी, रो रही थी, वो नीचे लेके चली गई, वो सुलावेगी तब खाना बनाओगी। मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक है अभी, और कल इन्हें जाना है डॉक्टर के यहाँ पे, कल की दवाइयाँ इनकी आ जाएगी। तो फिर मैं जाऊँगी अपनी ससुराल। 5 दिन का मैंने इन्हें बोला था कि मैं रहूँगी, क्योंकि मैं रह के तब गई थी अपने मायके में जब अर्निका हुई थी पैदा, उसके बाद में 5वां दिन कल को हो जाएगा मुझे इनके पास। 6ठा दिन रहते हुए मैं मंडे में आई थी ना मम्मी तबीयत खराब, मंडे में आई थी, और संडे वाले दिन चले जाऊंगी, मतलब कि 1 हफ्ता सा ही हो जाएगा लगभग। और चलो जी, इनके पास भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ऐसी होती है, काफ़ी काम है। मेरे ससुराल में भी ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं मेरे, परिवार है, काम चल रहा है, वहाँ पर चाचा जी भी रहते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली के यही फ़ायदे होते हैं, दुख सुख में हर कोई एक दूसरे के साथ खड़ा रहता है, इसे ही तो जॉइंट फैमिली कहते हैं। ऐसे तो सेपरेट में बच्चों को भी लेकर चलना, ये वो, और हर किसी इंसान की अपनी अलग अलग सोच है कि मम्मी तुम्हारी ठीक है, क्यों नहीं तुम अपनी ससुराल जा रही। देखो जी, मैं जो करूँगी और जो मेरी फैमिली करती है वो सब अपने हिसाब से करते हैं, मैं किसी के कहने में नहीं चलती। जब मुझे ठीक लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्या इन्हें प्रॉब्लम थी वो मैं समझ सकूँ, क्योंकि बिल्कुल भी इनमें सांस भी कोई कोई चल रहा था उस टाइम पर। तो कोई भी बेटी अपने माँ बाप को ऐसी कंडीशन में छोड़ के नहीं जा सकती। तो जब भी मुझे ये लगेगा कि ये नॉर्मल होगी, अब मुझे ये लग रहा कि हाँ ये ऊपर चढ़ गई आज छत पे धूप में बैठने के लिए, अपने आप चढ़ गया आई, मुझे अच्छा लगा और ठीक सा महसूस कर रही यहाँ लेट के। तो अभी भी ना गर्मी लग रही थी, अब इनकी चारपाई जो है छाँव में कर दी। अब तो ठीक है ना मम्मी? ठीक है, और भी ठीक हो जाएगी जैसे जैसे रेस्ट करेगी। कुछ तो फीवर आ गया ऊपर से, जो 3 महीने पहले घटना हुई थी उसकी ना भारी टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, सबसे बड़ा सवाल हमारे साथ में ऐसा अचानक से। और रही बात चाचा जी की, उन्हें मेरे पास मैंने इसलिए रख रखा है ताकि आगे कोई बात ना बढ़े, सबसे बड़ी बात यह है। और जब तक उनका मन है रहने का वहाँ पर रह लेंगे, तो यही वजह है। और कुछ उनकी दवाइयाँ चल रही है, जो ट्रीटमेंट है उनका, क्योंकि जो माथे वाली हड्डी है वो अभी भी टूटी हुई है, जुड़ी नहीं वो। तो जब तक भी पॉसिबल होगा मैं रखने की कोशिश करूँगी। दिन में कह देंगे कि मुझे गांव में जाना, तो मैं उन्हें भेज दूँगी। अभी मेरा भाई थक गया है बहुत ज़्यादा, गन्ने काट के छुलवा के, ये किसान हल्दी खोद गया, ये हाथ इसके बता रहे देखो कितने गंदे हो रहे हल्दी खोदने से। हल्दी भी गन्ने भी काटे, बहुत काम करा, बहुत काम करता है ये, जब भी कराता है बिल्कुल भी आलकस नहीं करता। ऊपर से इसके जुम्मे मैं और एक मरीज, मुझे फीवर नहीं था, मैं ठीक थी, एक्टिव थी, इसके साथ घूम का ही झिंझा ने भी खेत में भी मम्मी के कहने से कि मुझे लेके गया, अनु को चला घूम का होंगे। वैसे हमने वहाँ पे कुछ खाया पिया नहीं, बस जो इसका जरूरत का सामान था ये वही लेके आया था, अपना घर का सामान और मम्मी के खाने के लिए फल फ्रूट्स। उसके बाद में मुझे भी फीवर हो गया, अब यहाँ पे तो वायरल फैला हुआ है घर घर में, जो मेरे मायके वाला गांव है यहाँ पे सबको फीवर है, तो होता ही है, मतलब कोई नहीं बच रहा इस फीवर से। खैर एक दिन में मुझे 3 बार फीवर हुआ, पूरी रात रात में, कल से तो मुझे फीवर नहीं हुआ, 10 बजे के बाद में मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने भी जॉइंट हैं ये उठने बैठने में भी बहुत परेशान कर रहे, इतनी ज़्यादा जकड़न इनमें हो रही, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना मधुमक्खियों का छत्ता है एक बहुत बड़ा, और कुछ नहीं कहती है, मधुमक्खियाँ तब काटती है जब उन्हें कोई छेड़ता है, ये दिखा होगा मुझे। ओ भाई साहब, मेरे को उठना बड़ा मुश्किल है,
मेरी मम्मी कह रही मेरी लुंडी मुझे देखने आई थी और इसकी तबीयत खराब हो गई। भाई साहब छेड़ा ना कभी काट ले, बहुत बड़ा हो रहा है मुझे दिखे वनते दिखे परे ते। हाँ देखो कितना बड़ा छत्ता है मधुमक्खी का, बहुत सारी मक्खियां हैं। सुन रही ना? हाँ। ये पापा ने कपड़ा इसलिए डाला इस पे, ठंड लगेगी, ठंड भी होने लगी ताकि मक्खियां मरे ना और किसी को नुकसान ना दे, क्योंकि यहाँ पर अर्णिका के साथ में ना छोटे छोटे है परिवार में से बच्चे आ जाए, सारे बहन भाई ये जितने भी एक साथ से के हैं ये सारे यही खेल रहे थे। हाँ शहद हो रहा है इसमें बढ़िया, मैंने कहा धामक इसके नीचे जैसा शहद बनावे ना ये थोड़ा बहुत टपक जा नीचे, तो इसके नीचे एक प्लेट रख दी और जब भी उस पर शहद सा इकट्ठा हुआ वह प्लेट निकाल ली आराम से, ये कुछ कहेंगी थोड़ा, बस इनके छत्ते पे नहीं हाथ लगना चाहिए, बात यह है सारी। आज धूप अच्छी खासी निकल रही, मौसम बढ़िया हो रहा, ये देखो इसीलिए धूप सेकने के लिए आए थे। कल तो दोनों माँ बेटी का हाल ऐसा था, रिजाई में पड़े हुए थे और इधर उधर को घूमे, एक दूसरे को कोई दिखे बात करे तो थोड़ा सा और अच्छा महसूस हो गया इंसान को, ऐसा तो अकेला और भी ज़्यादा बीमार हो जा। अभी हमारे इस रूम की होगी थोड़ी सी साफ सफाई, तो वंदना कर रही है सबसे पहले कपड़ों को फोल्ड जो कल के धुले हुए रखे थे, तो उनकी तह बना कर रख रही है और वो मेरा बिस्तरा छोड़ नहीं रही, या काफ़ी देर से कह रही वंदना कि बेटा अपनी बुआ के बिस्तरे में से उठ जा ये धूप में डल जाएगा, और ये कह रही कि मैं छुपूंगी, इसे छुपने का और घोड़े पे बैठने का जरा सी भी चीज़ की ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा उमा है। बेटा उठ जाओ मेरा बिस्तरा छोड़ दो, निकाल लो इस रिजाई का, या ओढ़नी मुझे हमारी बचपन की रिजाई है, इनमें नींद आवे यहाँ के ना की बात नहीं होती, धागा तोड़ दिया तन्ने मेरी रिजाई का, और ये रिजाई उस टाइम की है जब हमारा बचपन था। ये देखो रुई निकाल कर रुई बनवा ले, कवर तो जम गई है। हाँ कवर जम गई है, नुगैरी वंदना साफ हो रही है, देखे दो का भरवाई थी इन्होंने, कवर पहले मजबूत आवे थे अब तो खैर कंबलों का क्रेज चल गया। और बेटा चलो ऊपर चलो, मम्मी नहा के चली गई वहीं पे, माँ जी की मालिश करेंगे, बाल कंघी करेंगे, टोपा उड़ा दे सर टोपा, टोपा नहीं ओढ़ती ना सॉक्स पहनती बिल्कुल भी। हाँ नंदनी ओढ़ लगी, देख मेरी नंदनी तो तड़की टाई लगा के स्कूल में चली गई, सुबह सुबह फोन आ गया था बच्चों का, अपनी नन्नी से बात करी, अर्णिका से बात करी, मेरे से बात करी, ये देखो ओढ़ने की नहीं, आ चल ये रिजाई छोड़ दे, आ चलो हम तो जा रहे, चलो चलो हम चल रहे, अब हम भागने जब गई नहीं रह रहे, गोड्डों में दर्द हो रहा, मैं भी नहालू चले जब चलेंगे, ठीक है इसे वहाँ बिठा दे बेड पे बिठा दे, के लिए अभी क्या करे बोर हो जा। हाँ उपल यहाँ पे धनिया बो रखा है ना, वो थोड़ा छिद्दा छिद्दा बोरा, तो कह रहा है इसे दूसरी काट करके, मतलब इसे यहाँ से उखाड़ के दोबारा बो दो, दोबारा ना बोई हो इसे, ना इसे वो कर लो नुला दे थोड़ा थोड़ा सा है, बढ़िया हो जाएगा नुला के। हाँ भाई साहब खेत में गए थे और खेत से झिंझाना नज़दीक है तो ये कुछ फ्रूट्स लेके आए थे, और कीवी तो निकली सही, कीवी तो हमने खा ली मन्ने और मम्मी ने, लेकिन ये जो अनानास है ना इसने थोड़ा धोखा दे दिया, और किसी ने इसे देखो फ्रूट्स वाले ने ये पिचपिचाहा दे दिया, इसे ये था कि आज ही खाना, और ये अनानास लाने के लिए बोला था मन्ने इसे, मन्ने कहा भाई मेरा अनानास खाने का मन है, नारियल पानी तो तू लाइए ना रूट्स में, ये भी ठीक है, और इसे खाओगे जब हम काला नमक लगा के देखेंगे पहले तो इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। भाई साहब छिलन लग रही इसे, और थोड़ी सी एनर्जी आप बढ़ाओ, थोड़ी सी मैं बढ़ाऊंगी जब भी, तो मेरे अंदर भी ताकत कितने कैसे बुखार है समझ में नहीं आ रहा, इतनी दिक्कत आ रही, इतनी दिक्कत आ रही ढेर ज़्यादा, पहले से टेस्ट करेंगे हम तब देखेंगे। खाना कम खाओ फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, और ये भाई साहब कह रहे 40 रुपए की एक कीवी है, मरने का 1200 रुपए एक भर के में लग जा हॉस्पिटल में, इसमें काला नमक लगा दे रहा था, लगा खाओ भाई मैं इसे छिल लूं, इसका काम तमाम करना, इसका काम तमाम करेगा। लो अपने बाबा के पास जाके चुप हुई, पापा आए ना नीचे जब चुप हुई, ठीक है मीठा है बढ़िया है, सर्दियों के फल जितने भी हैं वैसे सारे के सारे मीठे ही हुए हैं, बस इसे काटने की दिक्कत है, हाथों से मेरे कट नहीं रहा, मैंने कहा भाई थोड़ी सी मेहनत करके तू यम काट के दे दे, कुछ वंदना को दे दिए काट के, इसमें अभी खा लेगी लगा लगा।
रख ले यू मिल जाए। चलो भाई खा लेती हूँ मैं भी। थोड़े से कपड़े सूख गए थे तो रवि लेकर आया है ऊपर से, इनकी मैं तय बना दूंगी धीरे धीरे। वंदना अभी किचन को क्लीन कर रही है, उसने बनाया था अभी साग और रोटी, क्योंकि मम्मी का तो फ्रिज का ही खाना पड़ता है। फ्रिज का खाना ऐसा होता है, मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल का पानी, फुलका, फुलका एक आधा जो मम्मी को खिलाना होता है। मैंने भी उसके साथ फ्रिज का ही खाया, थोड़े सा फ्रूट्स खा लिया, एक आधी रोटी खा ली, तो इससे जो है पेट ख़राब नहीं होता और एनर्जी सी आ जा। नमक वमक का खा के जो है थोड़ा सा एनर्जी ठीक रहे शरीर की। और बस थोड़ी देर में इसकी किचन साफ़ हो जाएगी, काम नहीं पट गया। खाना बना लिया इसने, दूध गर्म कर दिया, पुच्छा रह गया और कपड़े वपड़े सूख ही गए, उनकी बस मैं तय बना दूंगी भाई। ज़्यादा कुछ काम तो मेरे को होगा नहीं, जितना हो सका कपड़ों की तय करना, कपड़े सुखाने, बस इतना ही करा। और कल से तो आज बेटर फील कर रही मैं, बुखार बहुत खतरनाक है, लेकिन जब अपने पड़े ना जब पता लगे। मम्मी को तो चलो घुटनों की प्रॉब्लम है, उन्हें तो पहले घुटनों में पेन रहता, लेकिन इस फीवर के बाद में उनके घुटने और ज़्यादा ख़राब हो गए। एक्सरे वगैरह हुए तो उनके घुटनों की जो एक कटोरी हुआ है ना हमारे घुटनों में, ये जो है खिसक रही और वहाँ पे मांस हो रहा उनकी जगह, तो डॉक्टर जो है काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट करेंगे मम्मी का। कल जाएगा रवि लेकर, जाना तो मुझे भी था लेकिन मुझे ठंड लगी एक दिन के जाने में, तो मम्मी कह रही मैं कल चले जाऊँगी रवि के साथ में। और कल फिर मेरा नंबर है ससुराल जाने का, गुड्डू के पापा आएंगे लेने के लिए, वे एक शादी में जावेंगे। वो कह रहे थे मैं उधर से कभी आ जाऊँगा, नज़दीक ही आऊँगी मैं थाना भवन, तो फिर मैं चली जाऊँगी उनके साथ में। चलो भाई अब ठीक सा महसूस कर रही मम्मी पापा भी, नहीं तो बहुत माइंड डिस्टर्ब था इनका। और मेरे आने से घर का माहौल, मतलब माहौल तो ठीक था पहले भी, लेकिन इनका जो माँ बाप का वो है ना, जैसे बातचीत करें, काफ़ी दिन हो जा बेटे को आए हुए, आए भी एक आध दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो उसमें कुछ नहीं हो पता। तो पिछले कुछ महीनों से इनका माइंड भी मतलब डिस्टर्ब चल रहा, बताया था मैंने आपको। मम्मी नीचे आ गया, अब रिजाई में लेट गई, ऊपर धूप में लौट कर गर्मी लग रही थी इन्हें, अब खाना खाते ही ठंड लगनी शुरू होगी। चलो कोई बात नहीं, ये शरीर की थोड़ी सी कमजोरी है, निवास सी आ जाएगी। कई दिन मैं निवास आई मम्मी को वहाँ हॉस्पिटल में, मम्मी ने कह रही नहीं तो मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा हो रहा था, पसीना आ रहा था ठंडे शरीर पे, लेकिन इतना ठंडा था निवास नहीं आई बिल्कुल भी, हाथ पैर भी इतने मले रवि हर ने, फिर भी मतलब ठंडा रहा, निवास नहीं आई, गर्माहट जी सके हैं। लेकिन चलो परमात्मा का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि ये हमारे साथ में है, आप सबके साथ में है। और देखो माँ बाप का जब तक साथ है ना, ये समझो भगवान आपके साथ में है, माँ बाप जो है बच्चों के भगवान होते हैं। चल भाई कर ले अपना काम है, नहा धो गए एकदम फिट हो गया, खाना खुना खा गए, ये देखो कल की प्लानिंग आज ही कर लेगा, बाल बूढ़ बढ़े तो रुकंगी कर लिए, डाइड ही करवा रखी बालों में तो लम्बे ने, ऐसी बात थोड़ा। चली गई अर्निका, चली गई है अपने बाबा के पास में, काफ़ी देर से चिड़चिड़ी हो रही थी, तो बाबा के साथ में ज़्यादा रहती है, और जो मेरे पास इसके बाबा है उन्हें भी बहुत मिस करते हैं, वे भी मिस करते हैं अर्निका को, मतलब दिन में जब भी मैं उनसे बात करूँ ना एक दो बार नाम ले लें अर्निका का, अर्निका ये अर्निका वो, इस तरीके से करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, और भाई मेरी तबीयत ठीक है बहुत अच्छा लग रहा मुझे, नहीं तो मुझे नो रहा था, मगर यू लाने के काम हो गए, मैं आई थी मम्मी को देखने ऊपर से और मेरी तबीयत ख़राब होगी मैं बीमार हो गई, क्योंकि अब काफ़ी दिन में घर में ऐसा माहौल ठीक ठाक सा हुआ था, बस चिंकी को तो होती है कभी कभी प्रॉब्लम, नहीं तो ज़्यादातर सब लोग जो हैं ठीक ठाक सा ही हो रहे थे, और बुखार से ही मुझे डर लग रहा था बुखार के नाम से ही, और ये बुखार नहीं मुझे चपेट में ले लिया याद से ही, हाँ अगले दिन ही हो गया, याद से ही अगले दिन ही नहीं हो गया, बस अगले दिन मैं वहीं तो गई खेत में, गई खेत में जाते ही फिर हो गया था मेरे।